इस तरह के एमसीक्यू हो सकते हैं, वन लाइनर, वन वर्ड एमसीक्यू हो सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट वाइज भी होने के चांस बहुत है। ये यूपीएससी का पैटर्न है, इसलिए एसएससी का पैटर्न नहीं है, ये बैंक का पैटर्न नहीं है, ये रेलवेज का पैटर्न नहीं है बेटा, ये एग्जाम यूपीएससी का पैटर्न, यूपीएससी का एग्जाम है, अपने आप में बड़ा एग्जाम है यार। एक बात समझो इस एग्जाम की, कि ये एग्जाम जो है तुमको क्या कर रहा है, एक प्रेस्टिजियस यहां पर पोजीशन, एक प्रेस्टिजियस तुमको डेजिग्नेशन दे रहा है। तुम इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में चले जाओगे, यू विल बी गेटिंग अ वेरी वेरी गुड जॉब, मतलब ये एग्जाम सीधे तुमको नौकरी दिलाएगा। और आप बाकी एग्जाम को देखोगे तो क्या होगा, आप एग्जाम दे रहे हो, यू विल एंटर दी कॉलेजेस, आप पहले कॉलेज में जाओगे, फिर आप ग्रेजुएशन करोगे, फिर यू विल गेट दी नौकरी जॉब, राइट। यहां पर आप इस एग्जाम को आप देखिए क्या कह रहे हैं, इस एग्जाम के थ्रू डायरेक्टली, कोई प्रेस्टिजियस एग्जाम है, यू हैव ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को यहां पर क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये बहुत खास बात है इस चीज की। आई होप आप इस एग्जाम की ग्रेविटी को समझ पा रहे हैं, आप इस एग्जाम की सीरियसनेस को समझ पा रहे हैं। बेटा ये एग्जाम ऐसा वैसा एग्जाम नहीं है, ये एग्जाम आपको इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, यार हम लोगों के लिए क्या होता है ना, जो मिडिल क्लास लोग हैं या जो मिडिल क्लास के नीचे लोग जो बैठे हुए हैं, उनके लिए इस तरह के एग्जाम्स जो होते हैं ना, वो उनकी किस्मत बदलने वालों में से एग्जाम होते हैं। मतलब अभी आप मान लीजिए इस साइड बैठे हैं, जहां पर आप अभी पुअर पुअर फैमिलीज में बिलोंग कर रहे हैं, आप बिलो एवरेज इनकम फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, लेकिन आप एक एग्जाम निकालेंगे ना, एक एग्जाम, आप तुरंत यू आर ऑन दी अदर साइड ऑफ द पिक्चर, तुरंत आप अलग साइड पहुंच जाओगे। अब आप बैठे हो इंडियन आर्म फोर्सेस में, यू आर सर्विंग दी कंट्री, आपको लोग सलाम ठोक रहे हैं, अलग ही रुतबा होता है, अलग ही पोजीशन होती है, अलग ही डिग्निटी होती है, और आपको जो मौका मिलता है ना वो तो अलग होता है। तो आप इस चीज को जरूर समझिएगा कि एग्जाम आपसे डिमांड करेगा डिफरेंट थिंग, ये एग्जाम की डिमांड ही अलग होगी, ये एग्जाम का डिमांड के बाद एग्जाम का जो रिजल्ट है, जो सक्सेस है, वो आपको अलग अलग तालियों से आपका उसका स्वागत किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डू वी नॉट शॉपिंग एट दिस, बट मैं आपको चाह रहा हूं कि आप इस चीज से थोड़ा मोटिवेशन ले और समझें इस एग्जाम की सीरियसनेस को। कुछ तो ये एग्जाम आपसे अलग मांगेगा, क्यों, क्योंकि ये एग्जाम भी आपको कुछ अलग चीज देगा। हर एग्जाम की तरह आपको ये, हर एग्जाम आपको क्या देगा, कुछ डिफरेंट चीज देता है, लेकिन ये एग्जाम जो आपको देगा ना, माथे पे बैचेस, यूनिफॉर्म, अलग ही चीज होती है, अलग ही रुतबा होगा उसका। ठीक है, तो यहां पर ये जो आप देख रहे हैं मिस्टर मूर्ति जो है, ही इज दी ओनर